हेलो फ्रेंड्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से ओके क्रेडिट में। मैं तमन्ना आपके लिए एक बार फिर से लेकर आई हूँ एक ऐसा बिजनेस आइडिया जो आपको दे सकता है दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने का मौका। और ये जुड़ा है आपके एक ऐसे पैशन से जो शायद आजकल हर किसी का शौक है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फोटो स्टूडियो की। कैसे आप फोटो स्टूडियो खोल सकते हैं अपना, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के जरिए हमने तमाम पहलू कवर करने की कोशिश की है। पसंद आए तो लाइक कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन पर लिखिए कि किस तरह की वीडियोज आप और देखना चाहते हैं को लेकर। तो फोटोग्राफी का बिजनेस या फिर यू फोटो स्टूडियो का बिजनेस आपको एक बहुत अच्छा मौका दे सकता है अपनी हॉबी को परस्यू करने का, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आजकल हर किसी को फोटोग्राफी का बहुत शौक है। मुझे तो बहुत शौक है हर जगह सेल्फी लेना, क्योंकि एक तरह से ये आपको दिखाता है कि आप खुद से कितना प्यार करते हैं। तो आप कहीं भी जाते हैं, छोटा से छोटा फंक्शन हो या फिर बड़े से बड़ा ओकेजन हो, आप फोटोग्राफर्स हायर करते हैं। ऐसे में फोटो स्टूडियो एक ऐसी जगह है जहां पर जाके आप हर चीज़ आपको मिल जाएगी, आपको जिस तरह की चीज़ जहाँ चाहिए वहाँ आपको मिल जाएगी। तो कैसे आप फोटो स्टूडियो शुरू कर सकते हैं, देखिए। आपको एक फोटोग्राफी स्टूडियो बनाने के लिए कुछ जरूरी सामानों की जरूरत होगी, जिनमें कैमरा और कैमरे के लिए प्रयुक्त होने वाले अन्य चीजें जैसे कि कैमरा ग्लास, कैमरे का लेंस। इसके साथ ही यदि आप इस व्यवसाय को बड़े स्तर तक ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए ड्रोन तथा अपने कैमरे को स्थापित करने के लिए ट्राइपॉड स्टैंड इत्यादि की आवश्यकता होगी। आइए जानते हैं इस व्यवसाय में होने वाली लागत के बारे में। कैमरा, वर्तमान समय में फोटोग्राफी के लिए मुख्य तैयार DSLR कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है और इस DSLR को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से खरीद सकते हैं। ये कैमरा आपको 25,000 से 2 लाख रुपए तक के रेंज में उपलब्ध हो जाएगा। अलग अलग रेंज के कैमरे के अनुसार ही उसकी गुणवत्ता भी अलग होती है। कैमरा लेंस, एक बेहतरीन कैमरे के साथ ही एक अच्छा लेंस भी बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि यही वह चीज होती है जो कि आपकी फोटोग्राफी में निखार लाती है। एक बेहतरीन लेंस की मौजूदगी में कम स्किल के साथ भी आप अच्छा फोटोशूट कर पाएंगे। ट्राइपॉड, किसी भी ऑफलाइन स्टोर से बहुत ही कम रूप में आप एक ट्राइपॉड खरीद सकते हैं, जिसके ऊपर आप अपने कैमरे को रखकर अलग अलग एंगल से फोटोग्राफी कर सकते हैं। जगह की लागत, यदि आप अपने घर से फोटो स्टूडियो की शुरुआत करना चाहते हैं तभी तो आपको अपनी जगह की कोई लागत नहीं देनी होगी, परंतु यदि शुरुआत में आप एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाले पॉपुलर इलाके से व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उसके अनुसार अलग अलग जगह पर अलग अलग लागत होती है। यदि आप किसी बड़े महानगर में अपना स्टूडियो लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं, क्योंकि यदि आपको जगह की लागत ज्यादा चुकानी पड़ेगी तो उसी के अनुसार आपके स्टूडियो में आने वाले कस्टमर्स की संख्या भी ज्यादा ही होगी। इसके लिए आपको 100 से 200 स्क्वायर मीटर तक की जगह की आवश्यकता होगी। आइए जानते हैं फोटो स्टूडियो व्यापार के माध्यम से होने वाले मुनाफे के बारे में। यदि आप केवल स्टूडियो फोटोग्राफी के माध्यम से मुनाफा करना चाहते हैं तो आपको 1 से 3 लाख के इन्वेस्टमेंट पर प्रति महीने 20 से 25,000 रुपए का मुनाफा हो सकता है। लेकिन यदि आप ड्रोन और नई टेक्निक्स के योगदान से अपने व्यापार को शुरू करना चाहते हैं तो आप आसानी से स्टूडियो के अलावा वेडिंग फोटोग्राफी के माध्यम से महीने के 30 से 40,000 रुपए कमा सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ व्यवसायिक टिप्स जो आपके फोटो स्टूडियो बिजनेस में मदद करेंगे। सबसे पहले आप खुद से पूछिए कि आप सच में फोटोग्राफी करने में इंटरेस्टेड हैं और क्या इस व्यवसाय को स्थापित करने के लिए जो जरूरी स्किल्स हैं वो आपके पास हैं। ये बात आपको समझनी होगी कि एक DSLR कैमरे को हाथ में लेने से एक अच्छे फोटोग्राफर नहीं बन पाएंगे, बल्कि उसके लिए आपको दूसरे लोगों की तुलना में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप अपने व्यवसाय को अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको अपने ऑफिस या स्टूडियो को एक भीड़भाड़ वाले इलाके में खोलना जरूरी होगा। एक बार आपकी पहुंच स्थापित हो जाने के बाद आप इस स्टूडियो को वहां से हटाकर किसी सस्ती जगह पर भी खोल सकते हैं, जो कि आपके मुनाफे को बढ़ाने में सहायक होगा। अब आपने अपना स्टूडियो भी स्थापित कर लिया, इसके आगे आपको ये जानना होगा कि आपकी फोटोग्राफी की काबिलियत कितनी है और उसी के अनुसार आपको अपने फीस चार्ज करनी होगी। उसके लिए आपको वर्तमान समय में मार्केट में जो रेट चल रहा है उससे कुछ कम पैसे लेने होंगे, क्योंकि शुरुआत में अधिक प्रतिस्पर्धा के कारण आप इतना अधिक मुनाफा नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बार ग्राहकों का विश्वास बढ़ने लगा तो दूसरों की तुलना ज़्यादा पैसा चार्ज कर सकते हैं। वर्तमान समय में किसी व्यवसाय में सफलता पाने के लिए या फिर आपकी कंपनी को एक ब्रांड बनाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का उपयोग करना बहुत आवश्यक है। अपने बेहतरीन काम के साथ पूरे मार्केट में एक सॉलिड रेपुटेशन बनाने के बाद आप अपना बिजनेस मार्केटिंग प्लान तैयार कर सकते हैं, जैसे कि आप कई दूसरे छोटे फोटोग्राफर्स को अपने साथ जोड़कर उनके माध्यम से आपकी कंपनी को अन्य लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट से या फिर अपनी कंपनी के नाम से बनाए गए सोशल मीडिया अकाउंट के साथ अपने कुछ बेहतरीन फोटोग्राफी क्लिक को शेयर करके इसे बतौर मार्केटिंग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।
यदि शुरुआत में आपकी अधिक कस्टमर तक पहुंच स्थापित नहीं हो पाए तो उस स्थिति में इंटरनेट का सहारा लेकर खुद की एक वेबसाइट बना सकते हैं जो आपके द्वारा क्लिक की गई फोटो को बेचने के काम आ सकती है, या फिर कई ऐसी फ्रीलांसर वेबसाइट होती हैं जिन पर आप अपनी पकड़ बनाकर डिमांड करने वाले व्यक्ति को उसकी मांग के अनुसार तस्वीर उपलब्ध करवा सकते हैं। इंटरनेट पर आपकी तस्वीर एक बार वायरल हो जाने पर आपकी सफलता का कोई रास्ता नहीं रोक सकता। इंटरनेशनल बिजनेस अलायंस इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय का डिजिटल फोटोग्राफी स्टूडियो व्यवसाय भविष्य में 4 गुना तक होने की संभावना है। कई बड़ी संस्थाएं हर वर्ष ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन करती हैं, जिसमें वो पूरे साल में क्लिक की गई कुछ पिक्चर्स में से सर्वश्रेष्ठ फोटो का चयन करती हैं और उसे खरीद लेती हैं। यदि आपके पास भी ऐसा हुनर है जिसके तहत आप बिल्कुल यूनिक फोटो खींच सकते हैं तो आप जरूर इन संस्थाओं के साथ जुड़िए। कई बड़ी और जानी मानी कंपनियां जो आज फोटो स्टूडियो व्यवसाय में शिखर पर हैं, वो इसी तरह की बड़ी संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में जीतने के बाद खुद को वहां तक ले जा पाई हैं। तो देखा आपने कि कैसे आप अपने हॉबी को, अपने पैशन को परस्यू कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगी कि अगर आपका ये पैशन है फोटोग्राफी करना या फिर फोटोग्राफ्स क्लिक करना, तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि इससे बढ़िया बात कोई हो ही नहीं सकती कि आपको अपने हॉबी के ज़रिए पैसा भी कमाने का मौका मिल रहा है। तो चलिए, आप इसी तरह अपने बिजनेस पर काम करते रहिए, अपनी सोच पर काम करते रहिए। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा आइडिया है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।